समस्या। तो दोस्तों हम लेके चलते हैं कि यहाँ पर एक वैद्य जी हैं जो कि नसों का इलाज कर रहे हैं और काफी लाभ हो रहा है, और आपको लेके चलते हैं। ये हमारे गुरु जी वैद्य जी हैं। वैद्य जी? हाँ जी, हमारे वैद्य जी थोड़ा बिजी हैं, अभी बात कर रहे हैं, अभी इनसे बात करेंगे दो चार, और किस तरीके से यहाँ इलाज करते हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर, वीडियो को पूरा देखना, जरा सा मिस नहीं करना। और ये आगे थोड़ा सा देख रहे हैं सामने पर, ये शहीद है, और यहाँ पर भी हम लेके चलेंगे आपको। सुबह आओगे ना तो आप सुबह आ जाना, ठीक है? ठीक है। और ये वैद्य जी हैं, इन्होंने अपना यहाँ बिस्तर लगा रखा है, और यहाँ पर ये नसों का जो नस ब्लॉक हो जाती है, जोड़ों का दर्द वगैरह क्या करते हैं, उनसे बात करके हम आपको बताएंगे। जी, इनका इलाज करने का तरीका देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये इनको, ये हमारे वैद्य जी हैं, अब इनसे बात करते हैं कुछ। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। आप किस तरीके से इलाज करते हैं? सब ये थेरेपी की वजह से हम नसों को देख लेते हैं, जहाँ ब्लॉकिंग हो जाती है नसें। हाँ हाँ। नस ब्लॉकिंग में आदमी की बॉडी में दर्द होता है। हाँ हाँ। और उस नसों को निकालने पर दर्द पूरा समाप्त हो जाता है। अच्छा। तो ये हमारी एक पेंसिल है। हाँ। इस पेंसिल की सहायता के सहायता से हम नसों को देख लेते हैं, कौन नस कहाँ जा रही है। भैया कितनी बार आना पड़ेगा यहाँ पर? और ऊपर भर की कृपा हो जाता है, बस एक ही बार काम हो जाता है, अभी तो दोबारा कोई आया नहीं है। पैसे कुछ रखते हैं यहाँ पे? पैसे वो आपकी इच्छा है, बाकी फीस तो तुम जानते ही हो, और जगह तो 500 जाते हैं, बाकी जो तुम्हारी इच्छा बनती हो दे दो आप। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ वैद्य जी की कोई फीस नहीं है, अपनी खुशी से जो देना चाहते हो 500 दे दो, 1000 दे दो, जो अच्छा वो अगर ठीक हो गए तो 500 दे जाते हैं, 1000 दे जाते हैं, मतलब अपना वो अपनी इच्छा है, लेकिन कोई जबरदस्ती कोई नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जी अंकल जी को क्या परेशानी है? इनको एक तो शुगर बीमारी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है इनका, 201 बढ़ चुका शुगर इनका। अच्छा। और नस ब्लॉक हो चुकी है। अच्छा। वो नस अभी निकल कर आई है, अभी थोड़ा वहां तक घूम कर आए हैं, बता रहे हैं बहुत फायदा है मेरे को। ये देखो इस कदर से इनकी नसें ब्लॉक हो रखी है। अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, इससे क्या हो के आपके दोस्त हैं उनके लिए भी लाभ मिल सके, उस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों इसका एक पार्ट 2 वीडियो और आएगा, जो वैद्य जी दूसरी जगह पर गद्दी कहाँ लगाते हैं, वहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ वीडियो प्रूफ के साथ बनाऊंगा। चिंग वगैरह हो जाती है वो भी ठीक कर देते हैं आप? कमर में जो चिंग हो जाती है। वैद्य जी एक लकड़ी की पेंसिल की मदद से नस ब्लॉक होती है उनको सही कर देते हैं। जी अंकल जी हैं, इनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शुगर की वजह से इनकी सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं। खैम सोम चल करके बताएंगे कितना फायदा मिला है, दोस्तों वीडियो पूरा देखना। हेलो हाँ जी, अगर आपके पैर में कांटा लग जाए, कांटे को निकाल दो तो लगता है कि मैं अभी कांटा लगा हुआ है, उसमें भी 2-4 घंटे लग जाते हैं। बहरामपुर तो मैं आऊँगा 30 तारीख के बाद, मतलब 2 तारीख की जोनिंग है मेरी, 30 के बाद ही आऊँगा, उधर आऊँगा तो 30 को निकल जाऊँगा यहाँ से मैं, फिर आप उधर ही, मैं नज़दीक पड़ूंगा, उधर ही आ जाएगा ना मेरे पास में। हाँ घुटना ठीक हो जाएगा बिल्कुल पक्का। हाँ हाँ जी हाँ, यदि आप कल का हाल देखते तो जब देख लेते आप कैसा हाल था, एक लेडीज़ का बेचारी का पैर ही सीधा नहीं हो रहा था, उसका मुड़ ही नहीं रहा था, पर ऐसे ही बैठा था सीधा करके पैर को, बड़ी मुश्किल से बैठी है, बहुत मुश्किल से आई है, उसके जो ये घोंटू चीख निकल गई उसके, समझ लो उसका घोंटू पीछे मुड़ा है, एक तो उसमें जान भी ज़्यादा नहीं थी, दुबली पती थी बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है, फोन बारे को सुना नहीं, कस्टमरों के फोन आते रहते होंगे ना आपके पास? हाँ जी हाँ जी। ये तो आप गद्दी भी कहीं कहीं ऐसे जाकर के अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी, कहीं अलीगढ़ गए कभी, कहीं गए कभी, कहीं इस तरीके से गद्दी नहीं बनाते हो अपनी? नहीं नहीं, ये तो घर अपने घर पे ही देते हो? यहीं के रहने वाले हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ नोएडा में, नोएडा में जॉब करता था, अब नोएडा में करता हूँ। अच्छा। जैसे कोई चलता फिरता गिर गया, अपना मेट्रो पे गिर गया या फिर सीढ़ी पे गिर गया, एक्सीलेटर पे गिर गया, तो अपना वहीं एंट्री सही कर देता हूं, सही कर देता हूं सारी। तो दोस्तों बहुत ही लाभ मिलने वाला है इस वीडियो से आपके लिए, मैं ये कहता हूँ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और भैया ने बताया जो शुगर की परेशानी है वो भी यहाँ पर ठीक की जाती है। वैद्य जी शुगर का भी इलाज होता है ना आपके यहाँ? शुगर का नहीं होता ना, नसों का ही करते हैं, केवल नसों का ही होता है, जो शुगर के कारण जो नस ब्लॉक हो जाती हैं उनका होता है। ये देखो आगे खुल के सारी दिखा दो एक बार, देखो
ये नसें ब्लॉक हो रही थी, अब देखो आपको दिखने लग गई इधर। और अंकल जी खुद बताएंगे कितना कितना रेल्ट मिलेगा यहाँ पर, एक बार देखो। थोड़ा हल्की सी चाल की, तेज तेज बढ़ाओ चाल को हल्की सी, थोड़ा चल के अपने घोटू मोड़ के। हाँ ऐसे ऐसे बेटा हट जा रहे, हट सम छोटे बेटा। अब देखो आपके लिए सेम जी अंकल जी बताएंगे कितना रिजल्ट मिला है, और हम आपके लिए अपने चैनल पर बता चढ़ा के बात नहीं करते हैं कोई भी। हाँ सही बात है, जो रियली होता है वही आपको बताया जाता है। अंकल जी बोलिए जरा, बताइए इनको जरा क्या फायदा है। अंकल जी क्या फायदा मिला आपके लिए? देखो मेरे को तो बहुत थोड़ा आराम तो मिला है अभी। अच्छा हाँ, पहले तो थोड़ा आराम मिला मुझे, इन्होंने मालिश करी है, नस मिली है। हाँ उससे राहत मिली, थोड़ी राहत मिली है। आप पहली बार आए हैं या पहली बार आए हैं? तो भाई जी आपके इनके लिए दोबारा भी आना पड़ेगा क्या? नामुमकिन है, बताऊँ दोबारा में नामुमकिन है आने के लिए, क्योंकि शुगर की ज्यादा इनकी मात्रा ज्यादा है, हल्की 201 है। तो दोस्तों अब पहली बार में इनको अच्छा रिजल्ट मिल गया है, अब दूसरी बार में अगर इनकी इच्छा होगी आराम मिलेंगे तो आ सकते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ मिलेगा तो आ सकते हैं हाँ, अपनी मर्जी से भैया। हाँ सही बात है। अच्छा जी आप हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर से थे, आप कुछ भी कहना चाहते हो? मेरा कहना यही है कि जो प्रॉब्लम होती है, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और मोच हो जाती है, कोई नस प्रॉब्लम हो जाती है, कमर में कोई दर्द होता है या गर्दन में कोई दर्द होता है, तो वो मैं दवाइयों के देता नहीं हूँ, खाली नसों के अपने हिसाब से कर देता हूँ। और उनका तरीका आपने देखा है दोस्तों वीडियो में, किस तरीका इलाज करते हैं, काफी पुराना इलाज है ये, और इस तरीके से हर कोई नहीं करता है, लेकिन इलाज में आप लाखों के हिसाब से पैसा खर्च करते हैं दर्द में, लेकिन दर्द ठीक नहीं होता है, लेकिन ये दर्द कुछ अलग होता है जो दवाइयों के माध्यम से ठीक नहीं होता है, ये भैया के जो बैच जी इनके तरीके से इलाज होता है। आप कहीं से भी हैं तो आप आ सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने आपको एड्रेस बताया है।